थम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बचे हुए खाने से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बना रही हूँ। इसके लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे, 1/2 चम्मच सरसों, 1 छोटी कटोरी कटे हुए प्याज और 2 से 4 करी पत्ते, 1 छोटा शिमला मिर्च कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। मेरे पास पिछले दिन की ये कुछ इडलियाँ बची हुई थी, अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी इडली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब सभी इडलियों को इसमें डालकर फ्राई करेंगे। बचे हुए और प्लेन इडली को इस तरह बनाकर इसे एक अलग स्वाद दिया जा सकता है। इसे कम से कम 2 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, लगभग अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसमें अब 2 चम्मच टमाटो सॉस मिलाएंगे और 2 मिनट और फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें टूटी फूटी डालकर परोसें।